एक बिहारी सब पर भारी, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। तो जैसा कि नाम से पता चल गया होगा कि हम बात कर रहे हैं बिहार की। जी हाँ दोस्तों, बिहार जो प्राचीन काल में दुनिया भर के लोगों के लिए शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जिसमें पाटलिपुत्र भारतीय सभ्यता का गढ़ था, तो वहीं नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। देश के अलग अलग राज्यों में आपको बिहार के मजदूर देखने को तो जरूर मिलेंगे, लेकिन ये मत भूलिएगा ये वही राज्य है जो देश को सबसे अधिक IAS देता है, क्योंकि यूपी के बाद बिहार से सबसे अधिक IAS निकलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये राज्य आज विकास के मामले में भी आगे बढ़ रहा है, जहां स्काई वॉक, गांधी सेतु जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं और आज भी दूसरे प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है, जिनकी मदद से बिहार में रोजगार, कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट बढ़ेगा। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार के 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और बिहार की सबसे खूबसूरत जगह का नाम कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 10, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ये भारत के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रहा है। इसकी लंबाई 519 किलोमीटर प्रोपोज्ड है। इस एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारतमाला परियोजना फेज 2 के अंडर डेवलप किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसमें से 84 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया व कुशीनगर जनपद में पड़ेगा, जबकि ये बिहार में 9 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, फोर्ब्सगंज और किशनगंज शामिल है, जहां ये 416 किलोमीटर सफर तय करेगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल में इस एक्सप्रेसवे का लगभग 19 किलोमीटर का हिस्सा आता है, यानी कि इस एक्सप्रेसवे का मेजर पार्ट बिहार में आता है, जिस कारण से ये बिहार के मेगा प्रोजेक्ट में से एक है। गोरखपुर को बिहार के रास्ते सिलीगुड़ी से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की लागत 32,000 करोड़ रुपए है। वर्तमान में इसका भूमि अधिग्रहण और डिटेल डिजाइन का काम जारी है और इसे 2025 तक कम्प्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 9, पटना एयरपोर्ट एक्सपेंशन। दोस्तों, बिहार के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी हुई क्षमता और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाले नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का काम तेज गति से जारी है। ये नई टर्मिनल बिल्डिंग अगले साल दिसंबर तक सहायक संरचनाओं, एयरोब्रिज और अधिक एप्रन के साथ शुरू होने की उम्मीद है। वर्तमान में 11,500 स्क्वायर मीटर क्षेत्र के साथ मौजूद टर्मिनल बिल्डिंग हर साल 7 लाख यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता रखती है, जबकि नई टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 65,000 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करती है और इस बिल्डिंग की मदद से हर साल 80 लाख यात्रियों को हैंडल किया जाएगा, जबकि पीक आवर में 3,000 यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता भी होगी। वर्तमान में एयरपोर्ट का सिविल वर्क लगभग 60% कंप्लीट है और इसे 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस नई टर्मिनल बिल्डिंग का इंटीरियर बिहार की कला, संस्कृति और विरासत को दर्शाएगी। इस बिल्डिंग में घरेलू यात्रियों के लिए 52 चेक इन काउंटर और 6 इनलाइन एक्सरे बैगेज स्कैनिंग मशीनें और 2 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए होंगी। नंबर 8, कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज। दोस्तों, कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज, जिसका कंस्ट्रक्शन साल 2016 में स्टार्ट हुआ था और आज 7 सालों बाद भी ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये ब्रिज बिहार के पटना में कच्ची दरगाह को हाजीपुर में बिदुपुर से जोड़ रहा है। इस ब्रिज की लंबाई 9.76 किलोमीटर है। इसका कंस्ट्रक्शन L&T दाइबू के साथ मिलकर कर रही है, जिसे जुलाई 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और कंप्लीट होने के बाद ये ब्रिज बिहार के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच एक आसान सड़क संपर्क प्रदान करेगा। साथ ही 2 नेशनल हाईवे को जोड़ेगा, जिसमें NH-31 को NH-322 से इस ब्रिज के माध्यम से भी कनेक्ट किया जाएगा। ये एक 6-लेन ब्रिज होगा, जिसके दोनों तरफ पैदल चलने वालों लोगों के लिए जगह होगी। इस ब्रिज में 150 मीटर के 65 स्पैन होंगे और इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 3100 करोड़ रुपए है। नंबर 7, रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे। दोस्तों, रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे एक प्लान और अपकमिंग एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। ये एक्सप्रेसवे भारत के 3 राज्यों बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रहा है, जो रक्सौल को हल्दिया पोर्ट से कनेक्ट करेगा। NHAI द्वारा प्रपोज्ड इस एक्सप्रेसवे को 4 से 6 लेन का बनाया जाएगा, जो बिहार के ईस्ट चंपारण जिले में रक्सौल को पश्चिम के हल्दिया पोर्ट से कनेक्ट करेगा। वर्तमान में नेपाल का ज्यादातर व्यापार हल्दिया पोर्ट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन फिर भी हल्दिया पोर्ट को नेपाल भारत सीमा से जोड़ने वाला कोई स्थापित मार्ग नहीं है और इसी कारण से हाईवे कनेक्शन में सुधार के लिए रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान बनाया गया।
भारतमाला परियोजना फेज 2 के तहत इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बनाने का उद्देश्य माल ढुलाई की दक्षता में सुधार करना और नेपाल, बिहार और झारखंड से निर्यात को बढ़ावा देना है। इस परियोजना की लागत लगभग 54,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोस्तों, नालंदा स्टेडियम। बिहार के नालंदा में एक अपकमिंग क्रिकेट स्टेडियम है जो पूरी तरह से कम्प्लीट होने के बाद बिहार क्रिकेट टीम का घर होगा। इस स्टेडियम की आधारशिला साल 2018 में रखी गई थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के मॉडल पर बनाया जाएगा। ये स्टेडियम 80 एकड़ जमीन में 800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसे बनाने का जिम्मा सापूरजी पलोंजी ग्रुप के पास है। बात करें इस स्टेडियम के डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों की फैसिलिटी भी मिलने वाली है। साथ ही इसमें एक गजब का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें इंडोर आउटडोर खेल, कैफेटेरिया, मोटिवेशन सेंटर, स्विमिंग पूल जैसी मॉडर्न फैसिलिटी भी मिलेगी। और इस मैदान पर एक साथ 45,000 लोग लाइव मैच का मजा उठा सकेंगे। कुछ इसी तरह आप भी हमारे चैनल का मजा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 5, पटना रिंग रोड। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए करीब 140 किलोमीटर लंबा पटना आउटर रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जाएगा। इसमें 14.52 किलोमीटर लंबा शेरपुर दिगवारा ब्रिज इस रिंग रोड प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस ब्रिज के बन जाने के बाद पटना के लोगों को सारण और उत्तर बिहार के जिलों की ओर जाने में आसानी होगी। इसके अलावा पटना शहर में कच्ची दरगाह से वैशाली में बिदुपुर तक 6-लेन ब्रिज बनाया जाएगा। गंगा नदी पर बनने वाला ये ब्रिज पूर्वी पटना में रिंग रोड की दूसरी शाखा के रूप में काम करेगा। पटना में बनने वाला ये एक 6-लेन आउटर रिंग रोड है, जिसकी लागत 15,000 करोड़ रुपए है। फिलहाल इसे एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है, जिसे 4 साल में कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 4, गया जंक्शन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, गया रेलवे स्टेशन को एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें उन्नत यात्री सुविधाएं, टेक्नोलॉजी का आकर्षक समामेलन और जुड़वा शहरों गया और बोधगया की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाली दूसरी फैसिलिटी भी होंगी। इसमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एस्केलेटर और चौड़ा फुट ओवर ब्रिज जैसी सुविधाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जबकि यात्रा टिकट और यात्री आरक्षण काउंटर को नई बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसमें पहली वाली बिल्डिंग से ज्यादा जगह है। इस रीडेवलपमेंट योजना के मुताबिक स्टेशन में अच्छी क्वालिटी का भोजन, पीने का पानी, एटीएम कियोस्क, इंटरनेट और भी जरूरी फैसिलिटी मिलेगी। फिलहाल इस स्टेशन का रीडेवलपमेंट जारी है, जिसे 300 करोड़ रुपए की लागत से 2024 के लास्ट तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 3, पटना मेट्रो। दोस्तों, पटना मेट्रो बिहार के पटना शहर में एक अर्बन मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसमें 2 लाइनें शामिल हैं। इसके पहले फेज में 30.91 किलोमीटर लंबा नेटवर्क डेवलप किया जाएगा, जिसे 2027 तक कंप्लीट कर लिया जाना है। इसमें करीब 13,365 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। फिलहाल अभी 22.1 किलोमीटर की लंबाई में पटना मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि 8.8 किलोमीटर अप्रूव है। इसके पहले फेज में 2 कॉरिडोर शामिल है, जिसमें पहला कॉरिडोर दानापुर छावनी से खेम नीचक तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जबकि दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से न्यू ISBT तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 16.86 किलोमीटर में 14 स्टेशन के साथ डेवलप किया जाएगा, जबकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर 14.05 किलोमीटर में 12 स्टेशनों के साथ डेवलप किया जाएगा। पटना मेट्रो का रूट एलिवेटेड के साथ साथ अंडरग्राउंड भी होगा। इसके एलिवेटेड प्रायोरिटी कॉरिडोर में 5 स्टेशन होंगे, जिसमें मलाही पाकरी, खेम नीचक, भूतनाथ, जीरो मील और पाटलिपुत्र बस टर्मिनल शामिल है। वहीं 7.9 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड सेक्शन फ्रेजर रोड से राजेंद्र नगर तक 7 स्टेशनों के साथ होगा। पटना मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, जबकि दूसरे कॉरिडोर का अंडरग्राउंड सेक्शन 2026 तक कंप्लीट होगा। नंबर 2, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को बिहार के रांची के रास्ते कोलकाता शहर से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। इसकी मदद से रांची से कोलकाता और रांची से वाराणसी जाना आसान हो सकेगा। भारतमाला फेज 2 के तहत बनाए जाने वाले ये एक्सप्रेसवे देश के 4 राज्यों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है।
इस एक्सप्रेस वे की लंबाई है 610 किलोमीटर, ये पश्चिम बंगाल में 242 किलोमीटर, झारखंड में 187 किलोमीटर, बिहार में 159 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 22 किलोमीटर का हिस्सा कवर करता है। ये एक 6 लेन एक्सप्रेस वे है जिसकी डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से बिहार की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक इम्प्रूव हो सकेगी। इस एक्सप्रेस वे की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 28,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वर्तमान में इस एक्सप्रेस वे का भूमि अधिग्रहण जारी है और इसे 2027 तक कम्प्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 1, साइंस सिटी पटना। ये साइंस सिटी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति और दूरदर्शी व्यक्ति का सम्मान करती है, जिन्होंने पटना में एक अत्याधुनिक विज्ञान शहर बनाने की इच्छा व्यक्त की थी। ये सभी जानते हैं कि वे अपने समय के महान वैज्ञानिकों में से एक थे, जिनके लिए ये अनुमानित विज्ञान केंद्र कलाम साहब यानी जनता के राष्ट्रपति के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रोजेक्ट की मदद से लोगों को आसपास की दुनिया में विज्ञान का उपयोग कैसे किया जाता है उसके लिए मोटिवेट करना, इसकी खोज करने से विजिटर को प्रेरित, सशक्त और शिक्षित महसूस करने में मदद मिल सकती है। इस साइंस सिटी का निर्माण पटना के राजेंद्र नगर में मौजूद मोइनुल हक स्टेडियम के पास लगभग 20 एकड़ की जमीन पर किया जाएगा, जिसका निर्माण 400 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस अपनी तरह का एक अनोखा म्यूजियम होगा, जिसे दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।